अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सखावत सरगाना आपकी खिदमत में हाजिर। आप देख रहे हैं पी के जानवर मंडी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानवर मंडी डोल शेर में मौजूद हैं और हमने बछड़ियाँ सेल की हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जो यहाँ पर आए हैं और हमने अहमद भाई से बछड़ियाँ खरीद कर दी हैं और अहमद भाई का इंटरव्यू लेंगे कि इन्होंने कितने की सेल की हैं और कैसी बछड़ियाँ आप चेक कर सकते हैं। वी आई पी बछड़ियाँ, ऑस्ट्रेलियन नस्ल की बछड़ियाँ एक ही भाई ने खरीदी हैं, पांच और ये तीन, आठ बछड़ियाँ उसने खरीदी हैं। वो भरी नहीं है, वो किसी और की है। अच्छा, सात बछड़ियाँ ये किसी और की और ये दो और पांच ये अहमद भाई ने सेल की हैं। बहुत ही खूबसूरत बछड़ियाँ हैं, एक ही भाई ने खरीदी हैं। कहाँ से आए हैं भाई? वो भाई इधर से सियालकोट वाले, सियालकोट से आए हैं और वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते और भाई ने कहा है कि मैं इंटरव्यू देता हूँ। तो भाई से पूछते हैं कि वो कितने की ये बछड़ियाँ आपने सेल की, ये बछड़ियाँ आप चेक कर सकते हैं। वी आई पी बछड़ियाँ हैं ये पांच और ये दो सात। अच्छा अहमद भाई, ये सारी की सारी खीरी हैं, आपने सेल की हैं? अच्छा, कितने के हिसाब ने आपने सेल की हैं? पांच खरी हैं ना जी, दो सत्तर के हिसाब से हुई। अच्छा, ये पैंसठ पैंसठ की दो सेल हुई हैं और वो दो काम सत्तर, मतलब अठाठ हजार की वो एक आपने एक, एक वो पांच जो है अठाठ हजार के हिसाब से, ये दोनों पैंसठ, ये पैंसठ हजार के हिसाब से सेल की हैं भाई ने और ये अठाठ हजार के हिसाब से, सारी की सारी खीरी हैं। खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन नस्ल की प्रिंट वी आई पी भाई ने अच्छा प्रिंट देख कर निकाली हैं बछड़ियाँ और यहाँ पर आए हैं। अगर कोई भाई यहाँ मंडी में आना चाहे, यहाँ मंडी में खुद पसंद करके माल खरीदना चाहे तो फिर भी खरीद सकते हैं। हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद होगा, इस नंबर पर रब्ता करके आप आ जाएं, हम मंडी में आपको अच्छी बछड़ियाँ दिखाएंगे, जो बछड़ियाँ आपको पसंद आएँ वो खरीदें। तो हर नस्ल की बछड़ियाँ हमारे पास अवेलेबल होती हैं, खीरी भी होती हैं, धुंधी भी होती हैं और अगर कोई भाई प्रेगनेंट बछड़ियों का शौकीन है वो मंडी में आएँ और यहाँ से आपको मिलेंगी। तो लोकेशन जो है वो ज़िला जांग डोली शहीद मंडी है, ये आप दूसरी साइड पर देख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे जानवर अवेलेबल हैं, ये बड़े बैल भैंसे हैं, यहाँ पर ये सेटअप है, बाकी यहाँ पर आल जानवर मौजूद होते हैं। अहमद भाई ने अच्छा इंटरव्यू दिया है तो इन्होंने ये बछड़ियाँ सेल की हैं, इनका माल सेल होता रहता है अक्सर। तो वो पिछले दिनों वो आपने कोटा जो बछड़ियाँ दिलवाई थी, हाँ हम तो वो बातें नहीं करते, हम छोटी छोटी बातें करते, 500,000 मिले हमें, हम दे देते हैं, हम लंबी कमाई नहीं करते। तो अहमद भाई जो है इनको थोड़ी प्रॉफिट मिले तो ये बछड़ियाँ सेल कर देते हैं। पिछली दफ़ा हमारे कुछ कस्टमर आए थे गोजरा मंडी में, तो उन्होंने पहले ऑनलाइन सौदा किया था बछड़ियों का, हमने बछड़ियाँ दिखा दी ऑनलाइन और फिर वो यहाँ पर आ गए, उन्होंने वो गाड़ी लेकर आए और अहमद भाई के बछड़ियाँ जो हैं उन्हें पसंद आई, अहमद भाई ने फिर बछड़ियाँ सेल की। इन्होंने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखी, इन्होंने कहा अच्छा अगर सेल होती हैं तो हम सेल कर देते हैं, एक दो हज़ार ये ले लेते हैं, मतलब जो इनकी प्रॉफिट होती है। ये ज़्यादा कुछ भाई जेद करते रहते हैं, अस्सी अस्सी नब्बे नब्बे हज़ार एक लाख तक रेट मांगते हैं लेकिन वो सेल नहीं करते। अहमद भाई कहते हैं कि जितने हमें थोड़े मिल जाएं तो हम सेल कर देते हैं, अच्छे आदमी हैं। बाकी जैसा आपको अच्छा लगे, अगर कोई बछड़ी आपने ख़रीदनी हो तो ख़रीद सकते हैं, अगर आपको आपने नहीं ख़रीदनी तो वीडियो को एक लाइक कर दें, बस रेट के बारे में आपको पता चल जाता है, इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं, नंबर भी आपको मिल जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंची रहे। तो इसी के साथ अपने दोस्तों सखावत भाई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।